Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you'd be fine. New syllabus, Oxford Primary Mathematics, Book 5. Chapter number 4, fractions, where we have adding mixed numbers in lesson number 2, where we have to add mixed numbers with each other. ठीक है? Mixed numbers में add किस तरह से किया जाता है, आज हम इस lesson में यही सीखेंगे. Page number 68 open कर लीजिए. ठीक है? Video end तक देखिएगा. इंशाल्लाह बहुत interesting और बहुत informative होने वाली है आपके लिए. Skip मत कीजिएगा, वरना आप जो important points होते हैं वो फिर miss out कर जाते हैं. ठीक है? तो let's begin our today's lesson, where we have to add two mixed numbers or more. ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास अगर मिक्स नंबर्स हो और हमें उसको ऐड करना हो तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि आइदर बोथ द नंबर्स आर मिक्स नंबर्स, और वी हैव मिक्स नंबर विद अ होल नंबर, और वी हैव मिक्स नंबर विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है? तो मिक्स नंबर के साथ दूसरा भी मिक्स नंबर हो सकता है और उसके साथ कुछ और टाइप का भी नंबर हो सकता है. अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो मिक्स नंबर्स हैं? तो मिक्स नंबर्स में हम जानते हैं कि हमेशा एक होल नंबर होता है और उसके साथ एक अलग से फ्रैक्शन होता है. इन दोनों को जब हम एक साथ कर देते हैं तो इट बिकम्स अ मिक्स नंबर. ठीक है? तो जब इस तरह के हमारे पास नंबर हो जहां पर होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, इस तरह के नंबर्स को हमने ऐड करना हो, तो इसका सिंपल तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने देखना ये है कि आपके पास होल नंबर्स क्या हैं, उसको आप सेपरेट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, हेयर वी हैव टू चिल्ड्रन एंड अ गर्ल इज सेइंग आई ड्रैंक 1.5 कप्स ऑफ जूस टुडे. ठीक है? एक गर्ल है, उसने, लड़की ने कहा. अच्छा, हम इसको किस तरह से रीड करते हैं इसको भी देख लीजिए यहाँ पर, कि मैंने 1.5, 1/2 को क्या कहते हैं हम? हाफ कहते हैं. ठीक है? एक और आधा, इसके अंदर हम इसी तरह से इसको रीड कर रहे होते हैं, यानी एक पूरा कप और एक आधा कप मैंने जूस पिया है. दूसरी तरफ जो बॉय है वो हमसे कह रहा है आई ड्रैंक 2.25. 1/4 को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर. क्वार्टर का मतलब 1/4, इसको आप 1/4 भी कहते हैं और आप इसको क्वार्टर भी कहते हैं. ठीक है? तो आई ड्रैंक 2.25 या 2.14 कप्स ऑफ जूस टुडे. ठीक है? तो बॉय ने 2 कप से ज्यादा पिया है और लड़की ने 1 कप से ज्यादा पिया है. अब हमसे कह रहे हैं हाउ मच जूस डिड प्रिया एंड बाला ड्रिंक ऑल टुगेदर इन वन डे. दोनों ने मिलाकर टोटल कितना जूस पिया है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है. टोटल जब भी निकालना होता है तो हम वहां पर ज्यादातर एडिशन करते हैं, और अगर क्वांटिटी हमारी मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम वहां पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो हम सिंपली यहाँ पर ये करेंगे कि दोनों ने जितने होल कप्स पिए हैं उनको हम अलग से ऐड कर देंगे, यानी 2+1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 कप्स. उसके बाद बारी आती है जो फ्रैक्शंस हैं उसको हम सेपरेटली ऐड कर लेंगे. 1/4 दैट इज क्वार्टर, प्लस 1/2 दैट इज हाफ. इसके अंदर हमने देखा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर्स को हम पहले सेम करेंगे. तो 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 4 बन जाएगा. लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि हम न्यूमिरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से. तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 प्लस 1 × 2 2/2 × 2 4. तो ये हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं बच्चों तो हम न्यूमिनेटर्स को उठाकर ऐड कर देते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास 3/4. डिनोमिनेटर को हम ऐड नहीं करते, डिनोमिनेटर को हमने सेम बनाना होता है और फिर एज इट इज हम आंसर में लिख देते हैं. न्यूमिरेटर्स को हम ऐड करते हैं और वो तब करते हैं जब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि दोनों बच्चों ने कुल मिलाकर 3 3/4 यानी 3/4, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 whole 3/4 कप्स ऑफ जूस दे हैव ड्रंक ऑल टुगेदर. ठीक है? अब जरा हम इसको फिगर से भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है? यहां पर मेरे पास जो फिगर है उसमें मुझे शो किया जा रहा है कि एक बच्ची ने एक पूरा कप और एक आधा कप उसने जूस पिया. ठीक है? और जो बॉय है उसने 2 पूरे कप्स और 1/4 जूस पिया है. ठीक है? तो इतनी बात तो आपको क्लियर पिक्चर से नजर आ रही है. सेकंड स्टेप में हम क्या कहेंगे कि ये जो तीनों होल्स है ना, हम इनको एक साइड पर कर लेते हैं. तो ये तीनों होल्स मिलकर हमारे कितने हो जाएंगे? ये 3
होल्स बन जाएगा। आप देख सकते हैं आंसर में हमारे पास ये 3 होल्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बारी आती है हाफ और क्वार्टर की। तो इसको सेम बनाने के लिए हमने सिंपली ये करना होता है कि जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा पीसेज हैं तो दूसरी चीज़ को भी उतने ही पीसेस में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पीसेस थे टोटल, यानी कि क्वार्टर था, तो हमने जो हाफ था उसको भी हमने क्वार्टर बना दिया। अब जब क्वार्टर बना दिया तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल शेडेड पार्ट्स कितने हैं। इसमें आप देख सकते हैं अब हमारे पास 2 शेडेड पार्ट्स हैं और इसमें सिर्फ 1 शेडेड पार्ट है। तो इन तीनों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, 3। और टोटल कितने पीसेस थे एक क्वार्टर में, 4। तो ये हमारे पास हो गया 3/4। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आया, 3 होल 3/4, यानी 3 and 3/4, ठीक है। 3/4 को हम 3/4 कहते हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 69 पर। यहाँ पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ, सम कहते हैं दो चीजों को ऐड करके जो आंसर आता है उसको, ठीक है। तो सम क्या होगा, 1 and 1/3, ठीक है। 1/3 को हम 1/3 कहते हैं, सबका नाम होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली। अगर हमारे पास 2 है डिनोमिनेटर्स में तो वो हाफ में जाता है, अगर 3 है तो वो थर्ड में जाता है, 4 है तो क्वार्टर में जाता है, और उसके बाद जो होते हैं हमारे पास वो हमारे पास आ जाते हैं इस तरह से 5th 6th 7th 8th, इस तरह से हम उसको ले आते हैं ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास है 1 and 1/3 and 1 and 1/4 शो हाउ यू एड यूजिंग, ये डिस्क यूज करते हुए, यानी कि अगर आप फिगर को यूज करें तो आप किस तरह से इसको ऐड करेंगे। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 and 1/3 के अंदर हमारे पास 1 होल है और 1 and 1/4 के अंदर भी हमारे पास 1 होल है, ठीक है। तो ये 1+1 हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, 2 होल। उसके बाद बारी आती है 1/3 की और ये 1/4 की। अब यहाँ पर हमारे पास मैं 3 को अगर मैं डबल कर दूँ तो वो 6 बनता है, 4 नहीं बन सकता। तो अगर हम गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो 3 और 4 एक दूसरे के ना मल्टीपल्स हैं ना फैक्टर्स हैं। ऐसी सूरत में अगर हमें डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 को 4 से और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने जो है वो बन जाते हैं, 3 4s are 12 और ये भी 3 4s are 12, लेकिन सिर्फ नीचे हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, न्यूमिरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 4/12 और ये बन जाएगा हमारे पास 3/12। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये जो हमारे पास 3 पार्ट्स थे हमने हर पार्ट को मजीद 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब हम मजीद 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो है वो 12 पार्ट्स रहेंगे। ये हमारे पास 6 पार्ट्स बन गए और उसके बाद फिर हम सबको मजीद हाफ हाफ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे टोटल 12 पार्ट्स। अब आप इनको यहाँ पर गिन सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कितने शेडेड पार्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी हम हाफ करेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर मजीद हमने इसके अंदर हाफ्स करने हैं तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा टोटल 12 पार्ट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टोटल ये हमारे पास 12 पार्ट्स बन गए, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास शेडेड पार्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि वो कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास शेडेड पार्ट 3 है, तो जो कि हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में आ चुका है। तो ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, चाहे आप फिगर से कर लें और चाहे आप इस तरह से कैलकुलेट करके कर लें। अब हमारे पास ये 1/3 बन चुका है 4/12 और ये 1/4 बन चुका है हमारे पास 3/12। डिनोमिनेटर्स जैसे ही हमारे सेम होंगे, हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है और न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 होल 7/12। अब आप देख सकते हैं 1+1 2 होल्स और फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर 4 शेडेड पार्ट है, यहाँ पर 3 शेडेड पार्ट है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 7/12 बन जाएगा। अब आ जाइए पेज नंबर 70 पर। यहाँ पर हमें यही सिखाया जा रहा है कि जब आपके पास 2 मिक्स नंबर्स आ जाएं तो आपने वहां पर किस तरह से ऐड करना है। पहला स्टेप आपका ये है कि आपने जो
आपके यहाँ पर होल नंबर्स हैं उनको आपने सेपरेटली ऐड कर लेना है। तो ये 4 + 1 आपके पास क्या बनता है, 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 5 होल नंबर। उसके बाद आपके पास है 1/2 और 5/7। तो आपने देखा यहाँ पर डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 को 7 से और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम नंबर से अपने अपने न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो नए फ्रैक्शंस आएंगे वो क्या आएंगे, 1 × 7 7 / 2 × 7 14। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 5 × 2 = 10 और 7 × 2 = 14। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए हैं, तो अब आपने सिंपली अपने न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, जब हम न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है 7 + 10 = 17/14। ठीक है, ये हमारे पास 17/14 आंसर आया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास 5 होल नंबर है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गई स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब मिक्स नंबर में आंसर आना चाहिए तो जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा वो हमेशा प्रॉपर नंबर में होना चाहिए, यानी हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, यानी हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया। तो अब हमने सिंपली क्या करना होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो न्यूमरेटर है हमने इसको माइनस कर देना है डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारा नया फ्रैक्शन बन जाएगा, दैट इज 3/14। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये जो 14/14 बचा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 14/14 आपको पता है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो इट मींस वन होल। तो ये जो वन होल हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है ये हम ऐड कर देंगे 5 में ले जाकर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 + 5। तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 6 होल 3/14। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है स्टूडेंट्स जो अभी तक हमने सीखा, लेकिन जो दूसरा तरीका है मिक्स नंबर्स को ऐड करने का वो बहुत सिंपल भी है और वो हम यूज़ करें तो हमारे जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो भी बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।